फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अरोड़ा बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शंस। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो आज की प्रॉपर्टी रहने वाली है वो हमारी 3 BHK रहेगी 100 गज में। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन, जो यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे रहने वाला है। और मेन रोड यहाँ से रहेगी मात्र 50 मीटर की दूरी पे। फ्रंट साइड की हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, फ्रंट साइड हमारी 20 फुट की रोड रहने वाली है। नियरेस्ट इसके बहुत कुछ रहने वाला है, हॉस्पिटल, स्कूल, ट्यूशन सेंटर्स, हाइपरमार्केट्स, बहुत कुछ रहेगा। मेन रोड पे भी रहेगा और इधर हमारे पास में भी फ्राइडे मार्केट भी लगती है, जो कि हमारी हर फ्राइडे लगती है। इस फ्लैट के आसपास आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। उससे पहले हम एक मिनट का टीजर देख कर आते हैं। इसमें हमारी 2 यूनिट रहने वाली हैं। मेरे लेफ्ट साइड में रहेगा हमारा 2 BHK, जो कि हमारी बैक साइड की प्रॉपर्टी रहेगी, और फ्रंट साइड पे रहने वाला है हमारा 3 BHK। सेंटर में हमारा लिफ्ट का प्रोविजन रहेगा, लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ रहने वाला है हमारा ये फ्लैट। यहीं से होते हुए हम चलते हैं हमारी फ्लैट की ओर। तो अब हम आ गए हमारे फ्लैट में। 3 BHK, 100 गज, फ्रंट साइड की प्रॉपर्टी, लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ, मेट्रो से बहुत ही पास रहने वाला है हमारा ये फ्लैट। उससे पहले मैं आपको इसका नक्शा समझा देती हूँ। 3 BHK रहेगा, इसमें 3 हमारे बेडरूम्स रहने वाले हैं, लिविंग एरिया, ओपन में हमारी मॉड्यूलर किचन रहेगी, और 2 हमारे इसमें वॉशरूम रहने वाले हैं। एक रहेगा हमारा कॉमन वॉशरूम और एक हमारा बालकनी और बेडरूम से हमारे अटैच रहने वाला है। अब हम इसके डिटेल वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा लिविंग एरिया कितना ज़्यादा स्पेशियस होने वाला है। हमारे 10-सीटर सोफा के बाद भी आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा स्पेस है। साइड में इसमें हमारे एक्स्ट्रा में 2 पफीज भी हैं। सेंटर में हमारा टेबल रहने वाला है। मेरे लेफ्ट साइड में ह्यूज में हमारा LED पैनल रहेगा। वेंटिलेटेड रहने वाला है हमारा ये लिविंग एरिया। उसी के साथ सेपरेटली आपको मंदिर का भी प्रोविजन दिया गया है, आप एक बार नज़र मार सकते हैं हमारे मंदिर पे। उसी के साथ साथ AC की डक्टिंग हमारी इस साइड रहेगी, जो कि हमारा स्प्लिट AC का प्रोविजन रहने वाला है। किसी भी फ्लैट में, चाहे आप मुझसे फ्लैट लें या कहीं और से लें, सबसे पहले रूम्स में, लिविंग एरिया में आप AC का प्रोविजन जरूर देखना, चाहे वो स्प्लिट AC का हो या विंडो AC का हो। क्योंकि नए फ्लैट्स बने हैं, बाद में ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि तोड़ा फाड़ी फिर से करनी पड़ती है। तो आप चाहे मुझसे फ्लैट लें या कहीं और से लें, AC का प्रोविजन आप उसमें ज़रूर देखना। उसी के साथ साथ होते हुए हम अब यहाँ से चलते हैं हमारे किचन की ओर, जो कि हमारी ओपन में मॉड्यूलर किचन रहने वाली है। इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे वेंटिलेशन। वेंटिलेटेड है हमारी ये किचन, ड्यूअल शेड में रहने वाली है। हर एक चीज़ का इसमें सेपरेटली आपको प्रोविजन दिया गया है। इस साइड हमारी चिमनी आपको फिटेड करा के दी जाएगी। आप देख सकते हैं पूरा ग्लास वर्क है किचन के अंदर, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस साइड हमारे 2 सिंक रहने वाले हैं, एक में आप अपने साफ बर्तन रख सकते हैं और एक में आप अपना इजीली वॉश कर सकते हैं। जितनी भी सैनिटरी आपको लगा कर दी जाएगी 2 ईयर्स वारंटी के साथ। उसी के साथ साथ सेपरेटली क्रॉकरी के लिए भी अलग से कॉलम दिया गया है। आप देख सकते हैं कितना शानदार रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस रहेगा। इस साइड रहेगा हमारा RO का प्रोविजन। उसी के साथ साथ सेपरेटली रहने वाला है हमारा इस साइड फ्रिज का प्रोविजन। तो ये तो थी हमारी किचन। अब हम यहीं से होते हुए चलेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर, जो कि हमारा वॉशरूम और बालकनी से अटैच रहने वाला। आइए, तो ये रहने वाला हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम, जो कि हमारा बालकनी और वॉशरूम दोनों से अटैच रहेगा। इसमें जितने भी डोर्स हैं सारे UPVC डोर का यूज़ किया गया है, जो सेफ्टी पर्पज़ से भी बहुत अच्छे रहते हैं और साउंड प्रूफ भी रहते हैं। आप देख सकते हैं किंग साइज़ का बेड, उसके बाद भी इसमें कितना ज़्यादा स्पेस है। अप टू रूफ में इसमें वार्डरोब रहने वाली है हमारी, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस रहेगी। उसी के साथ साथ और भी यहाँ पे स्पेस है कि आप इजीली यहाँ पे अपनी डबल डोर की अलमीरा और भी रख सकते हो, इतना स्पेस इस रूम में है। उसी के साथ साथ एक बार हम नज़र मारेंगे हमारे LED पैनल पे, लूअर्स के साथ बहुत ही शानदार। शोपीसेस के लिए भी अलग से आपको कॉलम दिया गया है। यहीं से होते हुए चलते हैं हमारे वॉशरूम की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस होने वाला है।
इसमें अभी सैनिटरी लगाकर नहीं दी गई है, सारी फिटेड करा के दी जाएगी, वो भी 2 इयर्स वारंटी के साथ कंपनी की लगा के दी जाएगी। अपटू रूफ इसमें हमारी टाइल्स रहने वाली है। वेंटिलेशन पर्पज़ से आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट की फिटिंग भी सेपरेटली दी गई है, गीजर के लिए भी अलग से प्रोविजन दिया गया है। मतलब एक एक चीज़ के लिए जिस चीज़ की हमें नीड है वो एक एक चीज़ आपको इस फ्लैट में मिलेगी। यहीं से होते हुए हम चलेंगे हमारी बालकनी की ओर। आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया था UPVC डोर का यूज़ किया गया है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था, इस साइड हमारा वॉशिंग एरिया रहेगा, उसी के साथ साथ स्टेनलेस स्टील की हमारी रेलिंग रहने वाली है। एक बार हम नज़र मारेंगे हमारी गली पे, जो कि हमारी फ्रंट साइड की 20 फुट की रोड रहने वाली है। अब यहीं से होते हुए हम अपने नेक्स्ट बेडरूम की ओर चलेंगे। आइए, तो हमारे फर्स्ट बेडरूम से होते हुए अपने सेकेंड बेडरूम में आ गए हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं पूरा UPVC डोर का यूज़ किया गया है, मिरर वाला भी है और इसमें जाली वाला भी है, मच्छरों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सन फेसिंग रहने वाला है हमारा ये फ्लैट। इसमें भी हम एक बार स्पेस पर नज़र मारेंगे, कितना ज़्यादा स्पेशियस होने वाला है हमारा ये सेकेंड बेडरूम। ये भी हमारा बालकनी से अटैच रहने वाला है। उसी के साथ साथ अगर नज़र मारेंगे वॉल पे, कितनी शानदार रहने वाली है और कितनी शानदार इसमें हमारी फॉल सीलिंग रहने वाली है। ड्यूल में हमारी वार्डरोब्स रहेंगी, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस रहने वाली हैं। उसी के साथ साथ फ्रंट साइड पर रहेगा हमारा डबल शेडेड LED पैनल। तो ये तो था हमारा सेकेंड बेडरूम। अब हम यहीं से होते हुए चलेंगे हमारे थर्ड बेडरूम की ओर। उससे पहले मैं आपको हमारा कॉमन वॉशरूम दिखा देती हूँ, जो हमारा लिविंग एरिया से अटैच रहेगा। तो ये रहने वाला है हमारा कॉमन वॉशरूम। उसी के साथ साथ एक बार हम नज़र मारेंगे वेंटिलेशन पे, एग्जॉस्ट की फिटिंग इस साइड दी गई है। इसमें भी जितनी भी सैनिटरी है सब आपको फिटेड करा के दी जाएगी 2 इयर्स वारंटी के साथ। अप टू रूफ हमारी टाइल्स रहेगी इसमें। उसी के साथ साथ यहीं से होते हुए चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की ओर, जो कि हमारा लास्ट बेडरूम रहने वाला है। इसमें भी एक बार हम स्पेस पे नज़र मारेंगे, कितना ज़्यादा स्पेशियस रहने वाला है हमारा ये बेडरूम। इस साइड हमारी शाफ्ट रहने वाली है, वेंटिलेशन पर्पज से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये वाला हमारा फ्लैट। AC की डक्टिंग हमारी इस साइड रहेगी, जो कि हमारा स्प्लिट AC का प्रोविजन रहने वाला है। वॉल्स पे ना तो कोई वॉलपेपर लगाया गया है, आप देख सकते हैं हर रूम में डिफरेंट तरीके से वॉल्स डिज़ाइन की गई हैं। और अगर हम स्पेस की बात करें, हमारे इसमें स्लाइडिंग डोर्स वाली वार्डरोब्स रहने वाली हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पेशियस रहेंगी ये। उसी के साथ साथ इस साइड पे भी आप अपनी एक्स्ट्रा वार्डरोब रख सकते हैं, किसी का मटेरियल थोड़ा ज़्यादा होता है उसको स्टोरेज के लिए कुछ भी आप इसमें इजीली रख सकते हैं। तो ये तो था हमारा 3 BHK का फुली फर्निश्ड फ्लैट। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, आप सेमी फर्निश्ड भी ले सकते हैं और फुली फर्निश्ड भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 100 गज 3 BHK मेट्रो से बहुत ही पास रहने वाला है हमारा ये फ्लैट। इसकी जल्द से जल्द साइट विजिट कीजिए, नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, अपनी साइट विजिट बुक करवाइए और जल्द से आकर इस फ्लैट को अपना बनाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 इयर्स की वारंटी रहेगी हमारी तरफ से सैनिटरी की, उसी के साथ साथ बहुत सी चीज़ की वारंटी गारंटी अरोड़ा बिल्डर्स की तरफ से आप सबको रहेगी, जो कि सिर्फ मैं अपनी वीडियोस में बोल नहीं रही, रजिस्ट्री के साथ ये चीज़ आपको रिटर्न में भी दी जाएगी कि हमारी तरफ से वारंटी गारंटी 2 साल की क्या रहने वाली है। ज़्यादा जानकारी के नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।